दंगल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। डिबेट का नंबर वन शो आप देख रहे हैं। सियासत की फिजा जिस तरह से बदली हुई है, वैसे इस समय मैं कश्मीर में मौजूद हूं। श्रीनगर में फिलहाल हल्की ठंड है, लेकिन दिल्ली का तापमान बढ़ा हुआ है, क्योंकि दिल्ली की गद्दी को पाने के लिए सियासतदानों ने पूरा जोर लगाकर रखा हुआ है। एक दूसरे पर बयानों के बाढ़ साधे जा रहे हैं, एक दूसरे को मात देने के लिए हर रोज नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। नए नए मुद्दों की भरमार भी इन सबके बीच में देखने को मिल रही है। एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से राहुल गांधी वायनाड के अलावा रायबरेली से नामांकन करने के बाद पीएम के निशाने पर हैं। प्रधानमंत्री ने आज फिर उन्हें शहजादा कहकर संबोधित किया, ये कहते हुए कि वायनाड से जब पता चल गया कि वो हारने वाले हैं तो रायबरेली का रुख कर लिया, लेकिन रायबरेली में भी उनकी दाल नहीं गलने वाली है। वो पहुंचे हुए थे बिहार में, बिहार में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए एक तरफ तेजस्वी यादव तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी को परिवारवाद के मुद्दे पर जबरदस्त तरीके से घेरा और ये कहा कि इनकी सरकार जब भी बनती है परिवारवाद, भ्रष्टाचार और इसी के साथ ही साथ कानून व्यवस्था ताक पर चला जाता है, क्योंकि ये अपराधियों को बढ़ावा देने का काम करते हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रियंका गांधी ने शहजादा वाले बयान को लेकर बीजेपी पर किया है पलटवार, ये कहते हुए शहजादा तो महलों में रहता है लेकिन राहुल गांधी तो गरीबों के बीच जाते हैं। कुल मिलाकर दोनों ही तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस सबके बीच 7 मई को होना है तीसरे चरण का मतदान। चौथे चरण के लिए 13 मई को वोट डाले जाएंगे, जिसको लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक कर रखी हुई है। किसके दावे में ज्यादा दम दिखता है, आज के मुद्दे कौन कौन से रहे जो चुनावों में किसी की स्थिति बना या फिर बिगाड़ सकते हैं, तमाम ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में होगी बड़ी चर्चा। लेकिन उसके पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। ये कांग्रेस के शतरंज की ऐसी चाल थी जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। कहां चर्चा अमेठी से लड़ने की राहुल गांधी की हो रही थी, कहां वो प्रचार रायबरेली से भर आए। राहुल के इस चाल पर पीएम मोदी ने चुटकी ली। जिस सियासी मुहावरे को राहुल गांधी अक्सर इस्तेमाल किया करते हैं, उसी को हथियार बनाकर बयानों का सियासी हथौड़ा पीएम ने मार दिया। मैंने पहले ही बता दिया था कि शहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतने डर गए वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग घूम घूम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। जैसे जैसे 2024 लोकसभा का चुनाव आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे बयानों का तीखापन भी बढ़ता जा रहा है। जैसे ही मैंने ये देश के एक्सरे की बात की, वो नरेंद्र मोदी कांपने लग गया। जैसे ही मेरे, और उसकी आदत है, जैसे उसको डर लगता है ना वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। जैसे ही उसको डर लगता है वो कभी पाकिस्तान की बात करेगा, कभी चाइना की बात करेगा, तो एक के बाद एक झूठ बोल रहा है। मगर इस बार नहीं निकल पाएगा। राहुल गांधी पर हमला करने के लिए पीएम मोदी मध्यकाल के उस शब्द का इस्तेमाल करते हैं जिससे कांग्रेस को चिढ़ है। हर रैली जनसभा में पीएम मोदी राहुल पर प्रहार करने के लिए इसी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। कांग्रेस के जो शहजादे हैं उन्हें भी वायनाड में संकट दिख रहा है। अब जैसे इन्होंने अमेठी से भागना पड़ा, अमेठी छोड़ा, अब मान के चलिए वो वायनाड भी छोड़ेंगे। आपने कांग्रेस के शहजादे का एक ताजा बयान जरूर सुना होगा। ये शहजादे का कहना है कि भारत के राजा, भारत के महाराजा ये अत्याचारी थे, कांग्रेस के शहजादे ने छत्रपति शिवाजी महाराज
चित्तूर की रानी चिन्नम्मा जैसे महान व्यक्तित्व का अपमान किया है। पीएम मोदी ने राहुल को शहजादा कहा तो प्रियंका ने भी उसी चुनावी प्लेटफॉर्म पर आकर जवाब दिया। वो मेरे भाई को शहजादा बोलते हैं, मैं उनको बताना चाहती हूं ये शहजादे 4000 किलोमीटर पैदल चले हैं और एक तरफ आपके शहंशाह नरेंद्र मोदी जी महलों में रहते हैं। आपने कभी टीवी पे उनका चेहरा देखा है? एकदम साफ सुथरा सफेद कुर्ता, एक दाग नहीं है धूल का, एक बाल इधर से उधर नहीं हो रहा है। वो कैसे समझ पाएंगे आपकी मजदूरी, आपकी खेती कैसे समझ पाएंगे? सियासत पे परिवारवाद को बीजेपी ने अहम मुद्दा बना रखा है। इस बार के चुनाव में भी पीएम मोदी विपक्ष को परिवारवाद के मुद्दे पर घेर रहे हैं। बिहार के दरभंगा की रैली में पीएम ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर तंज कसने के लिए उसी मुगलकालीन शब्द का इस्तेमाल किया जिसका वो राहुल के लिए करते हैं। जैसे एक शहजादे दिल्ली में है, वैसे ही एक शहजादे पटना में भी है। एक शहजादे ने बचपन से पूरे देश को और दूसरे शहजादे ने पूरे बिहार को अपनी जागीर समझा है। लोकसभा 2024 के चुनाव में हर बयान के खास मायने हैं। पीएम मोदी के सधे हुए हमले के पीछे की भी वजह है जिसके जरिए वो विपक्ष पर तुष्टीकरण करने का इल्जाम लगाते हैं। पीएम मोदी कहते हैं कि कांग्रेस एससी एसटी ओबीसी आरक्षण को छीनकर मुस्लिमों को दे देगी। वहीं राहुल जाति जनगणना पर अड़े हुए हैं, यानी धर्म और जाति के बीच चुनाव घूम रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि 4 जून को किस मुद्दे का वजन कितना होता है, किस किस जुबान से निकले शब्द जनता पर कितना असर करती है। आज तक ब्यूरो। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर इन सबके बीच जारी है, तो वहीं आपको बताते चले तीसरे चरण का रण और ज्यादा भीषण होने वाला है, क्योंकि एक तरफ रायबरेली से उतर गए हैं राहुल गांधी चुनावी मैदान में, हालांकि 20 मई को मतदान होगा रायबरेली में, तो वहीं दूसरी तरफ वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 तारीख को करेंगे नामांकन, लेकिन 13 तारीख को बड़ा रोड शो होगा और 5 तारीख को पहुंचेंगे अयोध्या, वहां पर भी रोड शो के जरिए जनता को सीधे वो संबोधित करेंगे। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ शिवम त्यागी जी राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जुड़ेंगे, अनुराग भदौरिया जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के मौजूद रहेंगे, वरुण पुरोहित जी राजनीतिक विश्लेषक हैं आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही अनिल दुबे जी प्रवक्ता आरएलडी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वरुण पुरोहित जी आपसे ही शुरुआत करते हुए, अब तो सीधे प्रधानमंत्री ने कटाक्ष किया है ये कहते हुए कि शहजादा शब्द का इस्तेमाल करते हुए कि लचर कानून व्यवस्था यही है इनकी पहचान, दो दो शहजादे, एक जिसने बिहार को बर्बाद कर दिया और दूसरा जिसकी देश पर नजर है, जो देश को गलत दिशा में लेकर जाना चाहते हैं, इस पर क्या है जवाब वरुण जी? चित्रा जी, दंगल शहजादे और शहनशाह का नहीं है, ये दंगल पाखंड और यथार्थ का है, भारतीय समाजवाद और पूंजीवाद के पोषण का है, आम जनता की जरूरतों का है। और देखिए जो उदासीनता आई है वो इसलिए आई है, विपक्ष का क्रेज बना नहीं और मोदी जी का क्रेज रहा नहीं, इसलिए लोग वोट देने जा नहीं रहे। ये जो एक सबसे बड़ी बात जो है, आज भी तो गांधी परिवार है और भारतीय राजनीति का केंद्र बिंदु है, क्योंकि उसके बगैर कोई चर्चा राजनीति की पूरी होती नहीं। प्रियंका गांधी इस चुनाव की सबसे बड़ी स्टार प्रचारक हैं, उनके भाषण सुनने में लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट है बनिस्पत दूसरों के सुनने। जो भारतीय जनता पार्टी है, जब मोदी जी तो देखिए बड़े बुजुर्ग है, उनपे क्या कमेंट कर लो। भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रेटेजी है वो फेल हो गई फर्स्ट फेज में, जैसे ही चुनाव जो कम हुआ, मतदान कम हुआ, ये चेंज होकर के मत आपके मंगल सूत्र पे आ गए, पाकिस्तानी पे आ गए, कोई और इस प्रकार के, और कभी अभी तो तबलीगी समाज भूल गए, पता नहीं कौन कौन से समाज इनको याद आएंगे, लेकिन आम जनता को इससे कोई मतलब नहीं है। आम जनता को जो है वो रोटी से, अपनी नौकरी से, उससे मतलब है, वो कहीं मिल नहीं पा रही। तो नेताओं की जो बात चल, आप कह रहे हो शहजादे, ये देखो शहजादे ने भी भारतीय राजनीति के अंदर एक अपने को योद्धा साबित किया है, ये बार बार कह रहे हैं भाग गए डर गए, तो रायबरेली और अमेठी तो पास पास ही, रायबरेली चुनाव लड़ रहे हैं, केएल शर्मा जी पुराने कांग्रेस का, आनंद शर्मा सुरेश भतुरी जमाने के कार्यकर्ता है, तो वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। ये जो नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि बीजेपी चाहे जैसे चुनाव दूसरी पार्टियां लड़े, जैसे अपने कैंडिडेट फाइल करें, ये अजीब सी बात है, लोगों को ये सब चीजें भा नहीं रही।
लोगों को जो भारी थी बातें, जब तक खूब वोट कर रहे थे आज भार नहीं रही है। देखिए पहले लोगों को इंदिरा गांधी का क्रेज था, इंदिरा गांधी को हर आदमी वोट दे के आता था, फिर मोदी जी का वैसा क्रेज मोदी जी का आया पिछले 10 साल में, लोगों ने मोदी जी को वोट दिया। आज के टाइम में किसी का क्रेज नहीं, जनता उदासीन हो गई, वोट तो उदासीन तो है, ये क्यों है, इस पे फोकस करना चाहिए बजाय एक दूसरे पे कटाक्ष करने के, राहुल गांधी ऐसा, प्रियंका गांधी ऐसा। अरे लेकिन 65% के आसपास अगर वोटिंग हो रही है, कैसी बातें कर रहे हैं आप वरुण पुरोहित जी, 65% के आसपास अगर वोटिंग हो रही है तो भैया 60% से ज्यादा तो फर्स्ट डिवीजन में ही गिना जाएगा ना, ऐसा तो है नहीं कि 30%, 32% इस तरह की वोटिंग हुई है, 65% वोटिंग हुई है। अब वो वोटिंग किसके पक्ष में जाएगी इसका फैसला तो 4 जून को होगा, लेकिन उसके पहले ये धर्म के आधार पर जो आरक्षण दिए जाने का बार बार सवाल उठाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि कांग्रेस और आरजेडी मिले हुए हैं, धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहते हैं, ओबीसी कोटा जिसको लेकर विपक्ष आगे बढ़ता है उस पर प्रधानमंत्री की ओर से यह वार किया गया है। मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं जल्दी से उनके पास। अनिल दुबे जी, अब काट क्या है आप लोगों के पास, वो कह रहे हैं बेरोजगारी और महंगाई, इसी मुद्दे पर होगा चुनाव, बाकी मुद्दे आप लोग जैसे जैसे देख रहे हैं समय आगे बढ़ रहा है और कमजोरी लग रही है उसके बाद आप लोग लेकर आ रहे हैं धर्म में आरक्षण तो दूसरे तमाम और भी मुद्दे। देखिए तो चित्रा जी, कहीं इस तरह की कोई बात नहीं, पूरे देश में लाभार्थी जो सरकार की योजनाएं थी जिनको लेकर के हम लोगों ने समझौता किया कि किसानों के प्रति और समाज के सभी वर्गों के प्रति जो योजनाएं थी उन वो लोगों के खाते में सीधे पहुंच रही हैं। किसी को मकान मिला, किसी को शौचालय मिला, किसी को गैस मिली, किसानों को सम्मान निधि मिली। तो ये जो पैसा, पहले पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने खुद कहा था कि हम 1 रुपया अगर भेजते हैं तो जनता को सिर्फ 15 पैसे मिलता है। आज की तारीख में पूरे देश में लाभार्थियों को जो पैसा केंद्र सरकार भेज रही है वो उनके खातों में सीधे सीधे जा रहा है, किसानों को सम्मान निधि मिल रही है। तो ये मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेकर के राष्ट्रीय लोकदल के नेता और हम सारे लोग एनडीए के साथ हैं और ये अपील कर रहे हैं कि एनडीए को जिताने का काम किया जाए, क्योंकि एनडीए सरकार ने देश की जनता को लाभ पहुंचाने का काम किया है। देश की जनता को के लिए जो पैसा सरकार भेजती है वो पैसा उनके खातों में जा रहा है, और इसी तरह किसानों के लिए है। हम लोगों ने किसानों के मुद्दों को लेकर के जो इनके साथ समझौता किया, इन्होंने किसानों का सम्मान किया, खेत खलिहान का सम्मान किया, और किसानों में एक विश्वास जगा है कि जो विपक्ष के लोग चाहते थे कि किसान सिर्फ सड़कों पर आंदोलन करता रहे, इनके लिए हथियार बन करके रहे, हम लोग जो चाहते हैं कि सरकार ने चूंकि किसानों का सम्मान किया, ये चौधरी साहब के सपनों पर चलना चाहते हैं, तो किसानों को आत्मनिर्भर बनाया जाए, किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिल जाए, यह दिलाने के लिए हम लोगों ने एनडीए से समझौता किया। और आज हमारे नेता चौधरी जयंत सिंह जी लगातार किसानों से यह अपील कर रहे हैं, किसानों के बीच जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उत्तर प्रदेश के गांव-गांव जाकर के किसान जागरण यात्रा की थी, उत्तर प्रदेश के 37 जनपदों में वो गए थे, तो किसानों का सीधा जुड़ाव उनसे है और किसान एनडीए के साथ आया है। अब किसान एनडीए के साथ आया है, वो 2024 के लिए किस तरह से वोट करेगा देखना महत्वपूर्ण रहेगा, लेकिन पश्चिमी यूपी की कई सीटों पर मतदान संपन्न हो चुके हैं, अब धीरे धीरे करके मध्य और उसके बाद पूर्वांचल की बारी होगी। लेकिन शिवम त्यागी जी, आपके पास आते हुए, अब आप लोग शहजादा कहकर राहुल गांधी पर वार करते हैं, तो उधर से कहा जा रहा है शहंशाह और प्रियंका गांधी ने कहा है कि जिसको शहजादा बीजेपी बताती है वो देखिए लोगों के बीच किस तरह से घूम रहे हैं, इस पर क्या होगा जवाब आपका? और रायबरेली से वो चुनावी मैदान में चले गए हैं, तो बड़ी चुनौती पैदा हो गई है क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए कि बार बार रायबरेली को लेकर तंज कसा जा रहा है? नहीं, सबसे पहले तो चित्रा जी एक चीज कि भाई शहजादे को शहजादा ना कहे तो क्या है, राज परिवार का जो बच्चा होता है वो शहजादा ही होता है। इस देश में जिस तरीके से उन्होंने जो है परिवार की लेगेसी को आगे बढ़ाने की कोशिश की है, जिस तरीके से परिवारवाद बढ़ाया है, उसको शहजादा ही कहेंगे भाई, इसमें तो कोई बुरा शब्द नहीं है, तो अच्छा शब्द है, इनफैक्ट पॉजिटिवली लेना चाहिए उनको। लेकिन एक चीज है, ये पहली बार दिखा है कि शहजादे भी डरते हैं भाई, मतलब जो लगातार डरो मत कह रहे थे, आज उन्होंने साबित कर दिया कि डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, और खास तौर पर डर उनको ज्यादा लगता है जो ये कहते फिरते हैं कि डरो मत। आखिरकार हमारे बुजुर्गों ने जो ये कहावतें बनाई थी कि थोता चना बाजे घना, और इसके अलावा जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, आज समझ में आता है राहुल गांधी के लिए ही बनाई थी भाई। और एक और चीज समझ ले इस देश की जनता, ये टी शर्ट के नीचे सिक्स पैक एब्स, ये बाइसेप्स, इनसे नहीं आदमी में हिम्मत और ताकत आती है लड़ने की, ताकत आती है यहां से, दिल से, जिगर से, और यहां से, और ये वाला माला तो खाली आपको पता ही होगा सबको,
अब ये खा लिए तो इसी वजह से जो है डरकर भाग निकले। खैर मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, इस तरीके से डरना, 11-11 बार आपको एक सीट ने जिता दिया, लोगों ने जिता दिया, इतने भी एहसान फरामोशी उचित नहीं है। 5 साल ही तो दूर रहे थे भाई, मतलब इतना कैसा डर है। और रायबरेली में जो आपने कहा बिल्कुल डर नहीं है जी हमें। आदित्य सिंह जी हमारे साथ हैं, चाहे उचाहर का विषय हो, मनोज पांडे जी हमारे साथ हैं, 2014 में रायबरेली से सोनिया जी से अप्रोक्सीमेटली 3,57,000 से जीती, जब 2019 आया तो अप्रोक्सीमेटली 1,51,000 से जीती, इस बार हरा देंगे। इसी तरीके से अमेठी में हुआ था 1,07,000 से जो है श्रीमती स्मृति ईरानी जी हारी थी, उसके बाद 55,000 से जीती, इस बार वो लीड भी 2.5 लाख पहुंचेगी तो जीतेंगे। हो गई लेकिन ठीक है, आपके यहाँ बताने वाला कोई हो तो ना। क्या अनुराग भदौरिया हमारे साथ अभी शायद नहीं है? अरे अनुराग भदौरिया जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? सीधे आपके पास आते हुए आप देखिए, रायबरेली को लेकर जो स्थिति आप लोगों ने पैदा की, एक तो इतने बड़े नेता जिसके नाम का ऐलान एकदम आखिरी दिन किया जाता है, कार्यकर्ता उधर अमेठी में फूलमाला लेकर तैयार रहे, पता चला राहुल गांधी जी को रायबरेली में उतार दिया गया। अब जब वायनाड के अलावा वो भी चुनाव होने के बाद रायबरेली से नामांकन करेंगे तो भाई बीजेपी तो तंज कसेगी ही ना, और फिर प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि वायनाड में हार का डर है, इस वजह से भागे भागे रायबरेली आए हैं, यहां पर भी नैया पार नहीं लगने वाली है। आप लोगों ने तो बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया बीजेपी को। वो आपको लगता है बीजेपी का काम है कहना, करना कुछ नहीं है, वो कहने के लिए आई है, बोलने के लिए तो आई है, उसको करने का कहां है? आप बताइए, 10 साल से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कभी कहीं आपने सुना कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम किया? वो विपक्ष की बुराई करने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं। जनता ने उनको चुना था, अगर कोई कहीं से लड़ेगा तो कोई कहीं से क्यों लड़ रहा है, नहीं लड़ रहा है तो क्यों नहीं लड़ रहा है, लड़ रहा है तो परिवारवाद के लोग क्यों लड़ रहे हैं, दो भाई बहन क्यों लड़ रहे हैं, बाप बेटा क्यों लड़ रहा है, कमाल है भाई। अरे आपको ये सबके लिए थोड़ी जनता ने चुना था, आपको चुना था जनता ने कि आप सत्ता में आएंगे तो जनता के मुद्दों की बात करेंगे, जनता के मुद्दों पे चर्चा करेंगे। जो जनता चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि बताओ आप देश के अंदर में महंगाई है उसकी जिम्मेदार कौन है, बताओ देश के अंदर में महिलाओं पे अत्याचार लगातार बढ़ता चला गया है, रमन्ना जैसे लोग ये कहां कहां से आ जाते हैं, कहां कहां से ये महिलाओं पे जो अत्याचार घसीटेगी, पहलवान महिलाएं जो घसीटेगी कहां से आई है और किस तरह से इन पे अत्याचार हुआ था, कौन है जिम्मेदार, पूछती है जनता, उसके बारे में नहीं बताएंगे। पूछती है जनता कि किस तरह से दूध यहाँ 35 रुपए से लेके 70 रुपए लीटर क्यों हो गया, पूछती है पेट्रोल यहाँ 60-65 रुपए से लेके 100 पार क्यों कर गया, जनता पूछ रही है इनसे कि जो डॉलर था, जो आप अपने समय कहते थे रुपया पतला हो रहा है, अब तो रुपया एकदम ही पतला हो गया, डॉलर तो भाई रुपये के मुकाबले 83 रुपए पे हो गया, तो उसके बारे में कौन चर्चा करेगा, जरा बता दीजिए आप। आप कभी जनता के मुद्दों पे बात करेंगे, किसान के मुद्दों पे चर्चा करेंगे, नहीं करेंगे। किसान की इनकम दोगुनी हो गई, नहीं हो गई। हम सुबह से लेकर शाम तक जब भी आप डिबेट करते हो तो मेरे मुद्दे यही 5 होते हैं, महिला, किसान, बेरोजगारी, महंगाई, यही मुद्दे है ना। इसी मुद्दे पे आपने वोट मांगा था 2014 में, इन मुद्दों पे आप क्यों नहीं बोलते, इन मुद्दों पे बोलने से क्यों बचते हैं? और परिवारवाद पे आप बात करोगे, भ्रष्टाचार पे बात करोगे, भ्रष्टाचार पे बात करना जी, आप जवाब दे दीजिए। आजकल बंद कर दिया है, नहीं आजकल बंद कर दिया है क्योंकि भ्रष्टाचारियों को सब उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल करा दिया है, और परिवारवाद पे भी उन्होंने बोलना बंद कर दिया है क्योंकि सब परिवारवादी पार्टियों को उन्होंने अपने साथ मिला लिया है, और जो परिवार के लोग थे सबको टिकट दे दी, बाप बेटा जिनके बेटे सीएम थे, अनुराग ठाकुर कैबिनेट मंत्री है इसके, सुन लीजिए परिवार बता दूं ना, फिर सिंधिया फैमिली पूरी आ गई, आदरणीय कल्याण सिंह जी की फैमिली बोल दिया, वही रिपीट मोड है आपका, आ गई कुछ नया नहीं बोलने वाले, आप भी आ गया, निषाद पार्टी भी आ गए, थोड़े बहुत बच्चे से राजभर जी आप उनको कहिए ना, मिलिए वो भी अपने बेटे को दे दी, राजभर रोकने वाले नहीं है, वैसे भी आप स्टूडियो में नहीं है तो इस बात का फायदा वो जरूर उठा। अनुराग जी अब जवाब ले लेते हैं, आपकी बात हो गई, आप जवाब ले लेते हैं, अब जवाब ले लेते हैं, अत्याचार भी ले आए, महिला समस्या भी ले आए, तो आपको कौन जनता वोट देगा, छात्र देता नहीं तो क्या, शिवम त्यागी जी युवा देता नहीं, रुको 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 रुको, शिवम त्यागी जी वोट देगा आपको, ठीक है अब मैं जवाब ले लीजिए। अनुराग जी प्लीज, अनुराग जी एक सांस में आप इतना बोल ले जाएंगे ना कि बाकी लोगों के लिए जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपसे एक गुजारिश है अनुराग जी प्लीज, जी आपकी गुजारिश मानेंगे, इस देश में जितना नॉइज पोल्यूशन ध्वनि प्रदूषण है उसमें 50% हिस्सेदारी अनुराग भदौरिया की, इस देश में प्रदूषण ध्वनि इसी वजह से क्योंकि ये रुकते ही नहीं है। क्या इसका महंगाई से क्या मतलब, जरा बता देना, बीच में नहीं, बीच में नहीं, मैंने कहा ना पोल्यूशन आपकी वजह से, अब इसको और मत बढ़ाइए प्लीज, अब इसको और मत बढ़ाइए, बच्चे डर जाते हैं आज तक देखते हुए जब आप चिल्लाते हैं। अनुराग जी रुकिए जरा, अनुराग जी प्लीज, अनुराग जी प्लीज, अनुराग जी प्लीज, नो नॉइज पोल्यूशन,
नो नॉइज पोल्यूशन, नो नॉइज पोल्यूशन, रुकिए प्लीज, ये तो भड़क गए फैलाया है जो खत्म। चित्रा जी आपके बोलने से नहीं रुकने वाले हैं, ये रुके हैं क्या आज तक? इस देश में 50% नॉइज पोल्यूशन है अनुराग भदौरिया की वजह से, रुकिए जरा प्लीज। संबंधों के बीच में चित्रा जी मैं भी इनसे ज्यादा चिल्लाकर बोल सकता हूँ लेकिन मेरी बात जाएगी नहीं, मैं चाहता हूँ मेरे समय में अनुराग जी को ऑडियो के हम डाउनलोड कर सकते हैं। अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी, डिबेट की एक मर्यादा होती है, आप मेरी बात सुनिए। सर शिवम त्यागी जी आप जवाब दीजिएगा, मैं लौट रही हूँ आपके पास। अनुराग भदौरिया जी, डिबेट की एक मर्यादा होती है और हर बार उस मर्यादा को लांघ कर अपनी ही बातें लगातार दूसरों के ऊपर थोपते रहना, अनुराग जी ये शोभा नहीं देता है। और बाकी पैनलिस्ट से भी गुजारिश है, मेरा सीधा सा सवाल यह है अनुराग जी, आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए शिवम जी उसके बाद मैं आपसे जवाब लूंगी। आपने कहा यही मुद्दा है, 10 साल से लगातार विपक्ष को गाली देने के अलावा इनके पास कुछ बचा नहीं, ये नहीं है वो नहीं है। सर आपको पता है 10 सालों से हर जगह तो वही दिख रहे हैं, जनता के बीच मैंडेट उन्हीं को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश जैसी जगह पर अगर 35 सालों के बाद कोई सरकार रिपीट हुई है तो बीजेपी की हुई है। आप लोग जो मुद्दे गिना रहे हैं आप ढूंढिए कि कमी कहां पर है कि जनता को आप लोगों की बातें समझ में नहीं आ रही हैं। टीवी डिबेट में तो एक लाइन में एक सांस में आप 75 मुद्दे गिना ले जाएंगे लेकिन जब लोगों के बीच जा रहे हैं तो अनुराग भदौरिया आपकी बातें लोगों को समझ में नहीं आ रही हैं। वो 2017 देख लीजिए, 14 देख लीजिए, 19 देख लीजिए, 2022 का रिजल्ट देख लीजिए। तो प्लीज थोड़ा सा आपसे गुजारिश है अनुराग जी, थोड़ा सा मर्यादा रखें डिबेट की और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। प्लीज समझ में आ रही है और ठीक है, समझ में आ जाएंगे तो फिर उस पर भी बात हो जाएगी अनुराग जी, लेकिन प्लीज ये तरीका ठीक नहीं होता ना। आप उनसे 75 सवाल पूछ रहे हैं, जब वो जवाब देने के लिए आए तो फिर आप उनको रोका टोकी करने लगे, ये तरीका तो ठीक नहीं ना। फिर डिबेट कैसे आगे बढ़ेगी? शिवम त्यागी जी उनके आरोपों पर जवाब दीजिए। उनका ये कहना है कि आप तमाम मुद्दों पर भले ही बात करते रहिए, महंगाई बेरोजगारी पर लगातार वो बने रहेंगे और प्लीज व्यक्तिगत हमले कोई नहीं करेगा एक दूसरे पर। चलिए बोलिए। नहीं मैं बिल्कुल नहीं करूंगा चित्रा जी, मैं तो एक ही चीज कहना चाहता हूं कि जिस दिन बेरोजगारी पर आज तक ने डिबेट की हो क्या भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं आया? जब गरीबी पे बात की हो तो क्या भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं आया? जब महिला सुरक्षा पर बात की हो तो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं आया? हर बार आया, हर रोज आया और हर बार आएगा। लेकिन इस तरीके से जैसे आज ये डरो मत भागो मत वाले स्थिति में मैं देख पा रहा हूं कि कांग्रेस का प्रवक्ता ही नहीं है और ऊपर से मैं अनुराग भदौरिया को भी देख रहा हूं कि वो भी अमेठी रायबरेली पर बात करने को तैयार नहीं है। सूत्रों से पता चला है कि अखिलेश यादव जी ने बड़े मान मनोवल करके राहुल गांधी को रायबरेली बुलाया है लड़ने के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनको हराने के लिए और परमानेंट पुराना बदला लेने के लिए और सेटल करने के लिए आप आज उस बारे में बात करना नहीं चाहते? ये सच्चाई है। आज अगर आज तक ने अमेठी रायबरेली पर डिबेट रखी है तो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता यहां पर है, लेकिन डरो मत कहने वालों का प्रवक्ता आज यहां पर नहीं है क्योंकि उनको भी समझ में आ गया है कि रायबरेली से पर्चा भर तो दिया लेकिन स्थिति बेहद खराब है। श्रीमती स्मृति ईरानी जी ने रायबरेली अमेठी में कहा था जब 2014 में हम पहुंचे थे कि 100 से ज्यादा बूथ रहते थे जहां पर हमारा जो है बस्ता उठाने वाला नहीं था, कोई कार्यकर्ता नहीं था, हम वहां पर रहे, हारे, हमने कैडर मजबूत किया। आज हालात क्या है देश के सामने है, रायबरेली में स्थिति यही होने वाली है, समय में इनको बस्ता उठाने वाला नहीं मिलने वाला। वजह है उसकी क्योंकि ये 5-5 साल बाद आकर जो पॉलिटिकल टूरिज्म करते हैं ना, वो वाली राजनीति अब नहीं रही है। वही बात है, टीवी पर बैठकर अनुराग भदौरिया 5 मिनट बोले 10 मिनट बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जनता के बीच में जब नहीं दिखाई देते हैं तो समझ आता है। ये गांधी परिवार जब जनता के बीच में नहीं होता है तो समझ में आता है। आज अमेठी से भागे, कल वायनाड से भागेंगे, परसों रायबरेली से भी भागेंगे, कौन भरोसा करेगा भाई इन पर? और ये भरोसे के लायक नहीं है, ट्रैक रिकॉर्ड है इनका, विषय बहुत साफ है। बोलिए अनुराग, जब तक आप इस देश में जनता के बीच में नहीं रहेंगे, स्लोगन कांग्रेस पार्टी ने बनाया था दूसरों के लिए, डरो मत भागो मत, अब वही कहीं उल्टा तो नहीं पड़ जाएगा रायबरेली में? डरो मत भागो मत, अमेठी से तो भाग गया ना, किस बात का? नहीं नहीं, दिक्कत यह है कि भारतीय जनता पार्टी का तो मैंने बता ही दिया ना आपको, अब किस्सा नहीं सुना सकता कि लंबा किस्सा होता है कि भारतीय जनता पार्टी का काम है कहना, आप सीधे चलोगे तब भी कहेगा, इधर जाओगे तब भी कहेंगे, उधर जाओगे तब भी कहेंगे, मुद्दों से ध्यान भटकाना उनका काम है, मुद्दों से ध्यान भटकाते हैं, मुद्दों पे नहीं आना चाहते। ये कह रहे हैं कि नहीं हम तो डिबेट में आते हैं, बीजेपी का प्रवक्ता बैठा है ना, बीजेपी का प्रवक्ता बैठा है ना, महिला पे जब अत्याचार होता बीजेपी के प्रवक्ता को टॉर्च लेके खोजे नहीं मिल रहे थे, कहां चले गए थे? हम लोग रोज डिबेट में आते थे और बुलाते थे, क्यों नहीं आए? कई बार ऐसा देखने को मिला है कि आपके प्रवक्ता भागे दिखाई पड़ते, तो डरो मत भागो मत कौन है ये बताने की हमें जरूरत नहीं। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी का आपने देखा होगा चित्रा जी, एक एक एजेंडा चल चुका है कि वो सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत हमला करना जानते हैं, व्यक्तिगत हमला ही उनकी एक आदत सी बन चुकी है। अब ये बताइए, व्यक्तिगत हमला करने से जनता ने तो इनको सबक सिखा रही है कि व्यक्तिगत हमला करते हैं चूंकि ये जनता के मुद्दों की बात नहीं करते। हमने जितनी देर बोला, जितनी देर आपसे हमने बोला, उतनी देर हम जनता के मुद्दों पर चर्चा करते रहे, ना हमने शिवम त्यागी के नाम की चर्चा की, ना भारतीय जनता पार्टी में किसी और नेता की चर्चा की। हम कहते हैं कि जनता अगर परेशान है, अगर जनता बेबस हो रही है, यहाँ पे लाचार हो रही है और
परेशानी से और महंगाई से मजबूर हो रही है तो जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। तो सरकार ये जिम्मेदारी से क्यों भागना चाहती है, सवाल ये है। जनता के लिए कौन? बिल्कुल सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन एक छोटा सा सवाल है। हाँ हाँ, आप ही से ये सवाल है, क्योंकि आप कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों का पक्ष रख रहे हैं, तो मुझे लगता है मैं लौट रही हूँ आपके पास। लेकिन अनुराग भदौरिया जी, अगर भारतीय जनता पार्टी ने कुछ किया नहीं जैसा कि आप दावा कर रहे हैं, अगर उसने हमेशा विपक्ष को ही निशाने पर लिया, तो उत्तर प्रदेश जैसे सूबे में 80 लोकसभा में से 2019 में जब आप और बीएसपी साथ मिलकर लड़ते हैं तो भी आप उसको मात नहीं दे पाते हैं, 2017 में जब आप राहुल गांधी के साथ मिलकर लड़ते हैं तो भी आप उसको मात नहीं दे पाते हैं। आप जो मुद्दे गिना रहे हैं अनुराग भदौरिया जी, ये जनता के बीच असर क्यों नहीं कर रहे, ये सवाल तो पूछा जाएगा ना आप लोगों से। नहीं नहीं, जनता के बीच में इतना असर है चित्रा जी कि भारतीय जनता पार्टी ही भाग गई है। फील्ड में है आप तो घूम रहे हो ना, पूछ रहे होगे ना कितना 10 सीटें आ जाए उत्तर प्रदेश में, तो बहुत बड़ी बात है भारतीय जनता पार्टी की। राही में नहीं आने वाले, भागे घूम रहे हैं ये। मैं तो सीट गिना सकता हूँ पूर्वी से ले, अगर पूर्वांचल से लेके पश्चिम और मध्यांचल में देखे, अवध रीजन में देखे कि हम कौन सी जीत रहे हैं, ये नहीं गिना पाएंगे सीट। मैं डंके की चोट पे आपको गिना सकते हैं कौन कौन सीटें हम जीत रहे हैं। अगर पूर्वांचल से शुरू करेंगे तो आजमगढ़ हम जीत रहे हैं, जौनपुर हम जीत रहे हैं, मछलीशहर हम जीत रहे हैं, लालगंज हम जीत रहे हैं, और उधर से आगे बढ़ोगे तो हम सुन लीजिए घोसी हम जीत रहे हैं, देवरिया हम जीत रहे हैं, बस्ती हम जीत रहे हैं, श्रावस्ती हम जीत रहे हैं, मैनपुरी इटावा कन्नौज हम जीत रहे हैं, उसके आगे बढ़ेंगे आप तो मुरादाबाद हम जीत रहे हैं, फिरोजाबाद हम जीत रहे हैं, आंवला हम जीत रहे हैं, कैराना हम जीत रहे हैं, मुजफ्फरनगर हम जीत रहे हैं, नगीना हम जीत रहे हैं, सुन लीजिए मेरी बात, सहारनपुर हम जीत रहे हैं। पास सीट गिनाने को नहीं, क्योंकि जनता ने मन बना लिया सीट जनता जिता रही है, भारतीय जनता पार्टी सीट नहीं गिना पा रही है। पहले 400 पार बोलती थी, आप पता क्या कहती है, आप कहते हैं इनके प्रधानमंत्री बनेंगे एक एक साल के, मतलब ये तो मान गए ना कि मेरे प्रधानमंत्री बनेंगे, ये तो मान गए ना, हार इन्होंने मान लिया ना कि अब इनके प्रधानमंत्री एक एक साल के बनेंगे, इसलिए कहते हैं ना। फिर ये हमसे दूसरा सवाल पूछेंगे आपका, चित्रा जी मैं जवाब दे दूं, तो प्रधानमंत्री कौन होगा। सवाल ये है कि जब गाड़ी में आग लगी होती है ना चित्रा जी, जिस गाड़ी में आप चल रहे हो उस गाड़ी में अगर आग लग जाए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे चित्रा जी, गाड़ी से उतर के भागेंगी ना, इंतजार करेंगे कि दूसरी गाड़ी मिलेगी तब मैं उतरूंगी गाड़ी। अरे मेरी गाड़ी में क्यों आग लगेगी अनुराग भदौरिया जी, कम से कम अच्छी बातें बोलिया करेंगे, बाहर खड़े होंगे, छोड़ दीजिए बैठ जाएंगे, मेरी गाड़ी में कोई आग नहीं लगने जा रही है, प्लीज थोड़ी करेंगे आप। ऐसा भी उदाहरण नहीं देना चाहिए दूसरों के लिए, प्लीज उनको बोलिए कोई लाभ नहीं, उनके बीच में फेर नहीं बोलना चाहे। थैंक यू। समाजवादी वालों का पूरी सीटें गिना रहे थे कि कौन सी समाजवादी पार्टी और गठबंधन जीतने जा रहा है, इसके अलावा हाँ मैं वही आता हूँ, अब हालांकि उसमें रायबरेली अमेठी का जिक्र नहीं किया, आग लगाना है प्रदेश में आ जाते हैं, बोला मैंने नहीं, उस इनका काम ही इस प्रदेश में आग लगाना है, जब भी आएंगे आग ही लगाएंगे। और दूसरी बात सीटें गिनाने का, अनुराग भदौरिया का ये इस तरीके से एक लाइन से सीट गिना देने से आज साबित हो गया कि अखिलेश यादव जी को गलत फीडिंग कौन कर रहा है। हर बार 80 में से 80 की बात करते हैं, 14 में करते थे, 19 में करते थे, 24 आ गए, हर बार ये अनुराग भदौरिया उनके कान में जाकर कहते ये देखिए ये वाली सीटें जीत गए हम। अरे अगर कहने से जीत जाते तो बात ही क्या, अनुराग भदौरिया खुद ना जीत जाते अपना चुनाव, बेचारे अपने आप तो आज तक लखनऊ से जीते नहीं, यहां बैठकर बता रहे कि नहीं हम 80 में से 80 जीतेंगे। अखिलेश यादव जी को इनकी बिल्कुल नहीं सुननी चाहिए, ऐसे ही आदमी तो पार्टी का बंटाधार करता है ये, जो तो कांग्रेस और समाजवादी में जो प्रवक्ता है ना, इन्होंने ऐसे ही इन पार्टियों का नाश कर दिया। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, इन्होंने बड़ा विकास 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 की बात कही है, मैं अपनी 10 सेकंड देकर इनसे पूछना चाहता हूं, अमेठी रायबरेली में चलिए छोड़ दीजिए, अमेठी में कोई 10 काम गिना दीजिए जरा अपनी सरकार के, 2012 से 17 के बीच में क्या किया जरा बताइए, ओवर टू यू। बोलो समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर में, सुन लीजिए सुनिए, समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर में एक्सप्रेस वे बनाया, 100 डायल बनाए, जो काम अमेठी में आता है पूरे उत्तर प्रदेश में, 100 डायल में 112 काम अमेठी में आता है, 10 काम अमेठी में, जो पूरे उत्तर प्रदेश में दस सेकंड में एक्सपोज अमेठी अमेठी करते रहते हो, एक काम पता नहीं है, एक जगह जानते नहीं हो, एक काम किया नहीं है, बस चिल्लाने से काम नहीं चलता भाई, चिल्लाने से काम नहीं चलता, मेट्रो बनाई तो समाजवादी बनाई है, चिल्लाने से काम नहीं चलता, यही अमेठी का काम गिनाइए, अमेठी का काम, अमेठी का काम, अमेठी का काम, बच्चे को दिया है, अमेठी का काम, अमेठी का काम, किसी अनुराग भदौरिया कानों से सुनना बंद हो गया है, भगवान ने कान दो इसीलिए दिए, अमेठी का काम, फ्री में लैपटॉप दिया था, बच्चे उस लैपटॉप के माध्यम से कहां से, यही परेशानी है आपकी,
तो ऐसे ही लोगों को ठीक है, एक एक करके अपनी बात रखिए, कोरोना बोला लगा तो नहीं आएगा दर्शकों, तो प्लीज एक एक करके अपनी बात रखिए। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, हमने पूरे संपूर्ण उत्तर प्रदेश का विकास किया है, आप की तरह हम किसी को डिस्ट्रिक्ट में रीजन में नहीं बांटते, ये मेरा उत्तर प्रदेश है और हम संपूर्ण उत्तर प्रदेश को अपना उत्तर प्रदेश मानते हैं और पूरे उत्तर प्रदेश का विकास। जी हमें सीधे आपके पास आते हुए देखिए, बीजेपी यूपी में नंबर वन है, दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी है, लेकिन अगर हम तीसरे नंबर के लिए कांग्रेस पार्टी की लड़ाई की बात करें तो वो वहां पर भी नजर नहीं आती है। मैं आ रही हूँ आपके पास, मैं एक बार उनकी बात हो जाए। हाँ बोले, 10 सेकंड ज्यादा नहीं चाहिए। मैंने सिर्फ इनसे यही कहा था कि आप 2012 से 17 में उत्तर प्रदेश के सरकार में थे और हर जगह रहे, तो बता दीजिए कोई अमेठी में 10 काम गिना दीजिए। एक काम अमेठी का नहीं गिना पाया, अमेठी रायबरेली में आज जो है उसी के ऊपर चर्चा हो रही है, तो मैं गिना देता हूँ, सुन लीजिएगा अनुराग भदौरिया, ताकि अगली डिबेट में काम आ जाए। 200 बेड का अस्पताल हमने बनाया, मेडिकल कॉलेज हमने बनाया, पीएचसी हमने बनाई, महिला कॉलेज हमने बनाया, 3 इंटर कॉलेज हमने बनाए, सैनिक स्कूल हमने बनाया, केंद्रीय विद्यालय हमने बनाए, कृषि अनुसंधान केंद्र हमने बनाया, 1.5 लाख पक्के घर हमने बनाए, 4.5 लाख घरों को नल से जल हमने दिया, AK-203 की फैक्ट्री हमने कराई, साउथ एशिया की सबसे बड़ी कोको कोला की फैक्ट्री हमने खोली। ऐसे गिनाया जाता है, दोनों ही तरफ से तमाम दावे किए जा रहे हैं, जनता उस पर फैसला कर देगी जब वहाँ पर 20 तारीख को 20 मई को वोट डाले जाएंगे, रायबरेली या अमेठी दोनों को लेकर। ठीक है, आप दोनों लोगों की बात हो गई, बाकी लोगों को भी जरा मौका देते हैं, बाकी लोगों को भी प्लीज, अनुराग जी, शुभम जी प्लीज, वरुण पुरोहित जी आपके पास आते हुए देखिए, यहाँ पर एक तरफ है भारतीय जनता पार्टी, दूसरी तरफ है समाजवादी पार्टी, दोनों के बीच अपनी लड़ाई है, लेकिन कांग्रेस पार्टी आपको नहीं लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में पिछलग्गू पार्टी बनकर रह गई है? आप सोचिए 1984 के बाद आज तक विधानसभा के लिए कहीं पर भी उसका दम नहीं दिखा। अगर 1990 के बाद सबसे ज्यादा सीटें उसकी कभी आती हैं तो 2009 में आती हैं तकरीबन 22 सीटें, उसके बाद मौजूदा स्थिति मतलब 10 सालों के बाद आप लोग एक सीट पर सिमट जाते हो। रायबरेली जैसी सीट पर जिसको राहुल गांधी को आप लोगों ने आखिरी वक्त पर उतारा है, वो सीट कांग्रेस के लिए इतनी आसान नहीं है अगर कांग्रेस मानकर बैठी हुई है। 2014 के मुकाबले 2019 में बीजेपी का वोट प्रतिशत 17% बढ़ गया है, जबकि सोनिया गांधी के उतरने के बावजूद वोट प्रतिशत 8% घट गया था। आप समझ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, तमाम ऐसे राज्य हैं जहां कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी जिसको अकेले अपने बलबूते या फिर सहयोगियों के साथ ही कम से कम उस तरह की टक्कर तो देनी चाहिए बीजेपी को, वहां पर वो दूसरी पार्टी के पिछलग्गू दिखाई देती है। ऐसे में कैसे हराएंगे आप लोग भारतीय जनता पार्टी को, जिसका दम डरो मत भागो मत ये कहकर लगातार कांग्रेस देती रही है? वरुण जी, चित्रा जी, आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया है, कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा आवश्यक प्रश्न है, लेकिन बीजेपी जो सास भी बहु थी उस मोड से बाहर आ नहीं पा रही है, वो तो सबको पता है। लेकिन आपने बात की थी कि रायबरेली अमेठी में भी इनके पास खुद के कुछ नहीं सामान, मैंने कई बार डिस्कशन में सब कांग्रेस के तोड़ तोड़ के बनाया, अगर इनका कैडर होता तो कांग्रेस के आदमी क्यों लेते? अब कांग्रेस के आदमी क्यों जा रहे हैं? जनता जो है ना, दो चीज इस जो चुनाव में दो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जनता एक तो प्रियंका गांधी को, कार्यकर्ता भी कांग्रेस का, जो कांग्रेस को चाहते थे वो लोग भी चाहते थे प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़े, वो नहीं हुआ तो उससे 50% निराशा लोगों के मन में आई, आम जनता की बात बता रहा हूँ जो प्रियंका गांधी इंदिरा गांधी का अक्ष जिसमें देखते थे। दूसरा जो प्रश्न है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने तो एक आयराम गयराम का उपकृत केंद्र खोल रखा है, और कांग्रेस में एक जो केंद्र जिसकी आप बात करो, कांग्रेस कमजोर कर, कांग्रेस में एक केंद्र खुल गया मलाई चाटू सेटिंग बाज जो है अनुभव केंद्र, कांग्रेस में आइए आप मलाई खाइए फिर भाग जाइए। तो ये जो सेंट्रल सिस्टम को दुरुस्त करने की आवश्यकता मैंने हमेशा बात की, तो सेंट्रल सिस्टम जो दुरुस्त नहीं होगा तो ये स्थिति होगी, कांग्रेस जो है पूरे देश में आज भी सही कह रहा है फैली भी है, सबके दिल में कांग्रेस, आज भारतीय जनता पार्टी भी आधी कांग्रेस, प्योरिटी तो रही नहीं कांग्रेस की, वो अटल जी अडवाणी जी के टाइम एक संघ पृष्ठभूमि से आते थे, एक प्योरिटी मेंटेन करते थे, वो तो समाप्त हो गई। तो पूरी कांग्रेस चाहे ममता बनर्जी, कांग्रेस का ही नाम है पूरे देश में, जो मैंने आपको गांधी परिवार की बात की थी, गांधी परिवार जो एक केंद्र बिंदु है उसको मजबूती से आगे आना चाहिए था, वो सेंट्रल सिस्टम को कंट्रोल भी वही करते हैं, उसमें कमी रह गई, इसलिए सब बात है। जो आप बात करो लास्ट में जब महावीर प्रसाद जी हुआ करते थे अध्यक्ष, उसके बाद से कांग्रेस लगातार सर और कितनी मजबूती, आप कह रहे हैं कि जो केंद्र बिंदु है गांधी परिवार उसको और मजबूती से आगे आना चाहिए था, भारत जोड़ो यात्रा कर तो लिया, उधर कन्याकुमारी से कश्मीर, फिर भारत जोड़ो पार्ट टू भी शुरू हो गया, लेकिन आप जिन मुद्दों को उठा रहे हैं क्या वो मुद्दे असर कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। अनिल दुबे जी, उसके पहले आपके पास आते हुए, अब मौजूदा परिस्थिति उधर समाजवादी पार्टी लगातार एक के बाद एक अपने तमाम कामकाज गिना रही है, बोल रही है कि हमारी सरकार थी तो हमने ये तमाम कामकाज किए हैं, और इसी के साथ ही वो दावे के साथ पश्चिमी यूपी की भी कई सीटें गिना दी उन्होंने, जहां पर बता रहे हैं सपा जीत दर्ज करने जा रही है। देखिए चित्रा जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो बात कर रहे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप ये देखिए कि समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन के लोग एक ढंग की सभा नहीं कर पाए, इंडिया गठबंधन के लोगों को गाजियाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बतानी पड़ी ये योजनाएं कि हम क्या करना चाहते हैं, और कहीं पर सभाएं भी इंडिया गठबंधन की एक दो हुई तो
तो उनमें भीड़ नहीं जुटी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग इस बात से नाराज थे कि जब चौधरी साहब को सम्मान दिया गया, राज्यसभा में वो विषय आया, तो कांग्रेस के लोगों ने उस पर भी राजनीति शुरू की। कांग्रेस के लोगों ने चौधरी जयंत सिंह जी को उस पर बोलने नहीं दिया। इस बात को वहां के किसानों ने बहुत बुरा माना। उन्होंने कहा कि आप अपने भाषणों में चौधरी साहब का नाम तो लेते हो, लेकिन जब उनको सम्मान मिला तो आप उस पर भी राजनीति कर रहे हो। तो किसानों के लिए, जैसे ही उन्होंने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को अपने न्याय पत्र में कहा है, स्वामीनाथन आयोग इनके समय में आया था, इन्होंने उसको आज उस समय क्यों नहीं लागू कर दिया? अब ये कहते हैं कि हम सरकार में आएंगे तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे। तो किसान के एजेंडे में केवल भाषण के लिए है, ये केवल किसान को भाषण में सम्मिलित करना चाहते हैं। इन्होंने किसानों के लिए कभी कुछ नहीं किया, इन्होंने किसानों का सम्मान नहीं किया। अब इस देश का किसान, इस देश का क्या जो गरीब तबका है, जो जिसको लाभ मिल रहा है, वो सारे लोग चाहते हैं कि एक बार फिर से मोदी जी की सरकार बने। और हम लोग भी उसमें लगे हुए हैं कि उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से एनडीए का जोर रहे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 16 सीटें पर चुनाव हुआ है। मुझे लग रहा है एक बार अनुराग भदौरी जी के पास आते हुए, ठीक है सर आपके जी, ठीक है अनुराग भदौरी जी आपके पास आते हुए थोड़ा चर्चा को और विस्तार देते हैं। मेरा सवाल सुन लीजिए, पहले मेरा सवाल सुन लीजिए अनुराग जी। 2014 में जब वहां पर बहुत कांटे का मुकाबला रहा, तब से लेकर आज तक लगातार हम लोग अमेठी रायबरेली की सीट को कवर कर रहे हैं, बाकी सीटों के मुकाबले कहीं ज्यादा, जो भी वीआईपी सीटें होती हैं वहां पर आदमी जर्नलिस्ट ज्यादा जाता है। अमेठी में जाकर जो पहला परसेप्शन हम लोगों का बना वो किसी कस्बे की तरह दिखाई देता था, वहां पर विकास को ढूंढना तक मुश्किल होता था। वहां की जनता ने अगर 2019 में बदलाव किया था तो उसके पीछे बड़ी वजह थी। नेताओं को यह समझना होगा कि आप बड़े घरानों से आते होंगे, आपके ऊपर बड़े बड़े टैग, बड़े बड़े नाम लगे होंगे, लेकिन लोगों के बीच जाकर अगर आप कामकाज नहीं करेंगे तो जनता आपको नकार देगी और किसी भी कार्यकर्ता से नकार देगी। अमेठी को लेकर मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जो लोग वहां पर जाते रहे हैं, आपको ये बुरा लग सकता है अनुराग भदौरिया जी मेरी बात सुनकर, लेकिन ये सच्चाई है। और मैं हैरान इस बात को लेकर तब और ज्यादा थी जब वहां पर रायबरेली हो, अमेठी हो, रायबरेली फिर भी थोड़ी बेहतर स्थिति में था, अमेठी का तो बहुत बदहाल हाल हम लोगों ने देखा है। तो आज वो अगर कामकाज के जरिए अपनी बातें कह रहे हैं तो क्या बुरा है उसमें? आप लोग गिनाइए अमेठी के कामकाज को, क्या कामकाज किया गया है। मैं पूरी बात कर रहा हूँ, पहले उनका जवाब दे दूं। हमारे साथ ही आरएलडी ने जो कहा, अच्छी बात है चौधरी साहब को भारत रत्न मिला, खुशी की बात है, लेकिन ये बताइए जो आप किसानों का सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने कब किया? एक साल तक यही किसान धरने पे बैठा था ना, जिसके रास्ते में कील कांटे बिछाए गए थे, आप भी गए थे ना, आपके नेता भी गए थे और किसान रोया था, आपको याद होगा, रोया था आंसुओं से किसान रोया था, और उस रोने की वजह से फिर दोबारा से आप जगे थे। उसके बाद कितने किसानों की मौतें हुई है जरा बताएंगे आप? गिना दीजिएगा कितने किसानों की मौतें हुई, कितनों के मंगलसूत्र उजड़े हैं, कितनों का सिंदूर उजड़ा है, जरा बताइएगा आप डिबेट में जाने के पहले। और आज आप कह रहे हैं कि किसानों का सम्मान किया, इस तरह की बातें करते हैं तो आपके मन में अंदर से कचोटता नहीं है मन कि जिसके लिए आप लड़ रहे थे वहां पे, जिस सरकार के खिलाफ बोल रहे थे एक साल, चाहे तेज तूफान हो, चाहे बारिश हो, चाहे कड़ाके की ठंड हो, किसान बैठा रहा अपनी मांग के लिए, अंत में सरकार को झुकना पड़ा और वो काला कानून वापस लेना पड़ा। किसानों की मौतों को भूल गए आप, किसानों के स्वाभिमान को भूल गए, किसान के आंसू भूल गए, किसान के कील कांटे भूल गए। क्या चौधरी साहब इस बात से खुश होंगे कभी? किसानों के लिए अनुराग जी की आत्मा खुश होगी इस बात से? संघर्ष करने का सरकार ने उनको भारत रत्न दिया, सम्मान की बात है, लेकिन चौधरी साहब कैसे खुश हो जाएंगे इस बात से? इसको आप भूलिए मत, जनता जानती है, इसलिए आप मुझे पलट कर हार रहे हैं, इसलिए आप कैराना हार रहे हैं, इसलिए आप मेरठ हार रहे हैं, इसलिए आप मुरादाबाद हार रहे हैं, ठीक है, इसलिए आप सहारनपुर हार रहे हैं। मैंने आपका सुन लिया, आप हमारी सुन लीजिए, खड़े नहीं हुए। आप ये बताइए कि जब किसान आंदोलन चल रहा था, जब किसान आंदोलन को आंदोलन टूट रहा था, उस आंदोलन को बचाने का, उस किसानों के लिए लड़ने का काम किसने किया था? नहीं तो आपने तो नहीं किया था ना, आपके नेताओं ने नहीं किया था ना, हमारे नेता ने चौधरी अजीत सिंह जी ने किया था, भूल गए शायद आप, इसलिए हम आपको क्या क्या याद दिलाया। आप केवल भाषण देने की बात कर रहे हैं, किसानों की लड़ाई राष्ट्रीय लोकदल ने लड़ी, राष्ट्रीय लोकदल के नेता ने लड़ी, और उसके बाद उन काले कानूनों को वापस किसानों की लड़ाई किसने लड़ी, इसका फैसला तो किसानों को करना होगा 2024 में। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हुए, ठीक है वरुण पुरोहित जी, एक सेकंड सर, ठीक है, यकीन किसानों का एक बड़ा मुद्दा है, किसान हो, जवान हो, महिला हो, और हमारे जो एससी एसटी भाई बहन
बहन हो, इनका मुद्दा बेहद संवेदनशील होता है। लेकिन वरुण पुरोहित जी आपकी बात आपके पास आती हुई, इसके बाद त्यागी जी मैं आपके पास आऊंगी। वरुण पुरोहित जी, किसानों का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा था, एक सालों तक हम सब ने देखा गाजीपुर में किस तरह से अलग अलग हिस्सों में भी आंदोलन चला था, लेकिन उसके बावजूद उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव होते हैं वरुण पुरोहित जी, और वहां पर भारतीय जनता पार्टी 270 से ज्यादा सीटें हासिल करके लाती है। आपको पता है कि किसानों के मुद्दे पर पश्चिमी यूपी का मतदान नहीं हुआ था, वहां का मतदान लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर हुआ था, जिसकी वजह से पश्चिमी यूपी में अच्छा प्रदर्शन बीजेपी ने कर लिया, जबकि उम्मीद नहीं की जा रही थी। तो यही तो पलट के आप लोगों से पूछा जाएगा ना कि किसानों का मुद्दा था, उसको आप लोगों ने उठाया भी, भुनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उसको समझाने में बीजेपी बाद में कामयाब हो गई। किसानों का मुद्दा बहुत अहम था, हम सब ने कवर किया अलग अलग जगहों पर जाकर, मैं मुजफ्फरनगर गई थी वहां पर कवर किया, लेकिन उसके बावजूद अगर पश्चिमी यूपी यानी कि किसानों के गन्ना बेल्ट में भी बीजेपी 2022 विधानसभा में कमाल कर जाती है, जबकि आरएलडी वाले उधर थे, उस समय तो जाट वोट भी इनके साथ नहीं था जिस तरह से माना जाता है, तो फिर झांक के देखना होगा ना कि कमी कहां पर हो रही है। हम मुद्दे तो उठा रहे हैं, जनता क्यों नहीं उस पर वोट कर पा रही है? वरुण पुरोहित जी, चित्रा जी, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में जो जीता वही सिकंदर है, आप सही कह रहे हो, ये जीते तो ये सिकंदर है, लेकिन किसानों का मुद्दा जो था वो तो शुरू से ही है। मैंने खुद ने देखा, पहले मिट्टी के ऊंचे ऊंचे दौरे होते थे, फिर पाइपलाइनें आई, फिर पताल तोड़ कुएं बनने लग गए, तो मैंने संघर्ष किसानों का देखा है कैसा होता है। आज भी किसान संघर्ष में है, पहले भी संघर्ष में था, फिर बीच में आप देखिए बहुत सी चीजें आई ग्रीन। मैं गेहूं की एग्जाम्पल देता हूँ, गेहूं पहले देसी गेहूं होता था, एक पक्की बीघा में 8 मन 7 मन हुआ करता था, फिर कल्याण सोना आया 20 मन होने लगा, फिर फार्मी आ गया 40-40 मन होने लग गया, ट्रैक्टर आ गए, पहले एक थ्रेसर गांव में आता तो लाइनें लगती थी, मैं लगा मैं कराऊंगा, मैं कटाई कराऊंगा, मैं अनाज निकलाऊंगा, ऐसे धीरे धीरे प्रगति खूब हुई है देश की। जो आप जो मुद्दा उठा रहे हो, देखिए आरएलडी तो देखो दोरे जी ने जिंदा कर दिया आरएलडी को, उसकी बात तो अलग करते हैं। जो आप जो कह रहे हो, जो किसान जो है ना, जो आंदोलन हुआ वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के किसानों का मुख्यतः आंदोलन था, जिसके उसके कारण पंजाब में बीजेपी आज दिन तक जम नहीं पाई। अब हरियाणा का चुनाव आएगा, उसके परिणाम से पता लगेगा किसानों क्या है। पूरे देश का एक एक ऑर्गेनाइज तो हो नहीं सकता, साउथ का किसान, राजस्थान का किसान, मध्य प्रदेश। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, ठीक है, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हमें रुख करना पड़ेगा। गृह मंत्री अमित शाह की ओर से बड़ा बयान दिया गया है, उनकी ओर से कहा गया है कि देश को दो लोगों में से चुनाव करना है, एक तरफ राहुल गांधी है, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी। ये बड़ा बयान इस वक्त का जो हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें, जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा है, वैसे वैसे मुद्दों को धार और रफ्तार देने में पार्टियां लग गई हैं। गृह मंत्री अमित शाह की ओर से ये बयान दिया गया है, उनकी ओर से कहा गया है कि ये चुनाव जनता के सामने दो ही विकल्प हैं, एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं, यानी कि कुल मिलाकर राहुल बनाम नरेंद्र मोदी की लड़ाई को लेकर आगे बढ़ना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। अब इसमें कितने मिलेगी कामयाबी, यह बड़ा दिलचस्प होगा जानना। एक लाइन में जल्दी से शिवम त्यागी जी जवाब इस पे, मोदी बनाम राहुल की लड़ाई लड़ेंगे क्या भारतीय जनता पार्टी वाले, एक लाइन में बस। देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं, जो कांग्रेस की तरफ से जो बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास अपना कोई सामान तो है नहीं, सब कुछ बाहर से लाकर आते हैं। थोड़ा पढ़ लिया करो, 2019 में 433 कैंडिडेट्स जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ से उतारे थे, जिसमें से मात्र 23 लोग थे जो बाहर से थे, सिर्फ 23, बाकी सब भारतीय जनता पार्टी का कैडर था। समाजवादी वालों ने कहा कि हमने किसानों का काम लिया, अरे मैं किसान हूं भाई, मुझसे पूछो। किसान जब अपने खेत में जाता था, पता चलता था मोटर उतार कर ले गए, कौन ले गए, लाल टोपी वाले, अगले दिन गया स्टार्टर उतार कर ले गए, कौन ले गए। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है, आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आखिरी फैसला जनता जनार्दन का करना है, अब जनता जनार्दन जब मतदान करने के लिए जाएगी तो किन मुद्दों पर वोट करेगी, किस नेता को देखकर वोट करेगी, यह फैसला आपके हाथ में है। लोकतंत्र की यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। फिलहाल दंगल में अभी के लिए बस इतना ही, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।